देख रहे हो क्या लोडेड लग रहा है ना, क्या मस्त लग रहा है वो सब। तो ठीक है भैया, अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, इनका प्राइस बता दो। इसमें भैया 45 लिखा हुआ होता है, लेकिन होता कितना है ये? 45 ही होता है। भैया बताते हैं कि एक्चुअल साइज 30 होता है। टेल बैग के अंदर जो है ना भाई, मतलब स्पेस जो है ना बहुत ही ज्यादा दिखने को मिल, और इसके साथ में कुछ इस तरीके से कवर है। इसका क्या प्राइस है? वेलकम बैक द न्यू एपिसोड। होप करता कि सारे भाई बड़े होंगे, तुम्हारे भाई भी एकदम मजे में है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड आज का जो सीन है ना भाई, आज हम जा रहे हैं सैडल बैग लेने। जैसे कि आप लोगों को पता है भाई कि मैं ना ट्रैवल करता रहता हूँ, तो के लिए ना मुझे चाहिए भाई बाइक के लिए ना सैडल बैग। सैडल बैग जो मेरा पहले था ना, अगर आप लोगों ने मेरा केदारनाथ वाला सीरीज दिखा हुआ तो उसमें उसके साइड में ना भाई सैडल बैग था, वो भाई मैंने कर दिया था रिटर्न, क्योंकि वो उसका प्राइस भी हाई था और बैग की क्वालिटी भी जो नहीं भाई, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी लो थी, सही नहीं लगा, तो भाई इस वजह से मैंने उसको रिटर्न कर दिया। एंड भाई फिर से हमारी भाई एक ट्रिप स्टार्ट हो गई है, मतलब कल परसों में हम निकलने वाले हैं, तो उसके लिए चाहिए भाई अपने को बहुत सारे कपड़े रखने के लिए, बहुत सारे कंबल रखने के लिए ना एक बैग, और इस बैग को लेने के लिए ना हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं ना भाई जहाँ पे मिलेगा चीप रेट प्राइस। एंड वो हम आपको दिखाएंगे भाई कि हम कौन से वाले शॉप पे जाएंगे जहाँ पे भाई चीप रेट में सैडल बैग और बहुत सारे ना बैग की एक्सेसरीज मिल जाती है। ये समझ लो कि वहाँ पे जो है ना मतलब फैक्ट्री प्राइस में ना सामान मिल जाता है। एंड दिखलाएंगे भाई कि वो शॉप भी दिखलाएंगे, उनका नंबर भी दे देंगे, एंड देखते हैं भाई कि उनकी क्वालिटी कैसी है। तो वैसे सुना तो बहुत था कि भाई उनकी क्वालिटी जो है ना बहुत ही बेस्ट है, तो हम भी भाई निकल पड़े उसी शॉप पे जो कि है सादरा में। अगर आप लोगों को किसी को पता हो सादरा में एक शॉप है, नाम नहीं पता, अभी नाम जाके कन्फर्म कर लूँगा। एंड फिलहाल भाई ये हमने लगाया था, किसी को लगता है भाई कि ये ऐसी मॉडिफिकेशन के लिए लगा रखा है, जो ट्रैवल करता है तो वो समझ जाता है कि भाई ये सैडल के लिए लगाया, मतलब सबका अपना अपना सोच होता है भाई। तो भाई मेन जो है ना ये मैंने सैडल के लिए ही लगाया था। एंड इसकी जो भाई ये मैंने बनवाया कैसे था बताऊं कैसे, जैसे कि ये स्प्लेंडर का ये चीज़ होता है ना, इसको कटवा के कुछ इस तरीके से ना जुड़वा के इस तरीके से बैंड करवा के ये मैंने खुद भाई वेल्डिंग करवा के ऐसा इंस्टॉल करवाया था। और भाई इसकी जो इसकी मजबूती है ना, मतलब ये समझ लो कि भाई 100 किलो भी वेट डाल दोगे ना कुछ भी नहीं होने का इसको। तो भाई फिलहाल पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, एंड देखेंगे कि जब बैग लगता है ना तो भाई क्या लोडेड लगती है कितनी, और बैग की क्वालिटी जो है ना भाई, बैग की क्वालिटी जो है ना भाई वहाँ जाके पता लगेगा कि बैग की क्वालिटी किस तरीके से है क्या नहीं, वो तो भाई वो तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा। एंड सो निकलते हैं यहाँ से भाई डायरेक्ट सादरा, क्योंकि एक दो भाई और भी है जो हमारा वहाँ पे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। ओके भाई, तो अभी हम निकलते हैं सादरा मेट्रो स्टेशन की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद भाई मैं कंफर्म लोकेशन डालूंगा, क्योंकि वहाँ का लोकेशन मुझे कंफर्म नहीं पता। वहाँ पे जाने के बाद अपने दोस्त से एक लोकेशन ले लूँगा वहाँ का, उसके बाद मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में वहाँ का लोकेशन डाल दूंगा। फिलहाल अपनी बसंती यहाँ पे खड़ी है भाई, इसको हम यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, एंड हम जा रहे हैं भाई राइडर बाइक लेके, इन राइडर बाइक की। इसलिए भी हम पहुँच आई विशाल बैग फैब्रिक, जो कि भाई सादरा में कांति नगर में पड़ता है, और ये भैया का ना लोकेशन है यहाँ पे, और भैया की शॉप जो है ना बाहर से कुछ इस तरीके से है। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं भाई कि हमें कौन सा बैग पसंद आता है, और एंड देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सेसरीज लेते हैं, मतलब ट्रैवल के लिए जो भी बेस्ट होगा ना, सबसे सारी मतलब चीज़ें मिल जाती है बैग से रिलेटेड, तो भाई वहाँ पे बहुत ही बेस्ट चीज़ मिलती है। अंदर जाके दिखाते हैं भाई कि क्या क्या है। तो भाई ये चेक करो, कुछ इस तरीके से बैग है भाई, ये इससे बड़ा भी साइज ये भी है, यही है ज्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं फिर तो पूरा रोड गिर जाएगा। ये भी ठीक है ना, 45 लीटर सही लग रहा है। इसमें भी 45 लिखा हुआ होता है, लेकिन होता कितना है ये? 45 भी होता है। भैया बताते हैं कि एक्चुअल साइज 30 होता है। नहीं, 30 वो आता है, ये 35 है लेकिन 30 एक्चुअल साइज। अच्छा, रेन कवर का कलर चेंज कर दिया, ब्लैक मांगते हैं लोग, तो ब्लैक है। अच्छा सही है, ब्लैक में ये वाला भी पड़ा है मेरे पास, चलता तो नियॉन है ज्यादातर, तो नियॉन कलर ही ज्यादा चलता है। लेकिन जब नियॉन था तब कस्टमर ब्लैक मांगते हैं, नियॉन ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है बस। तो अभी भाई बैग ये चेक करोगे ना तो बैग कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि 45 लीटर एच 45। एंड इसके अंदर भाई दिखा दो ना भैया, रेन कवर दिखने को मिल जाता है, अभी कलर ऑप्शन भी है इसमें, ये यही होगा अभी फिलहाल, तो अभी यही है, बाकी कलर कभी कभी भाई कलर ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड बैग की क्वालिटी जो है ना भाई, मुझे तो बहुत बेस्ट लग रही है, मतलब पिछले वाले से अकॉर्डिंग जो है ना बहुत बेस्ट है, पिछले बार तो मेरा बकवास था।
अच्छा यूज में मेन कंपार्टमेंट हो गया, एक फ्रंट पे छोटी पॉकेट हो गई, एक ये पॉकेट हो गई। उसको हार्ड करने के लिए लगा रखा अंदर वाली पॉकेट। मतलब बैग का भाई क्वालिटी भी जो है ना मतलब बहुत ही बेस्ट है, हर चीज हार्ड कर रखी है और वाटर प्रूफ है भाई। वाटर रेजिस्टेंस होता है, रेन कवर लगा इसमें हार्ड पूरा फुल वाटर प्रूफ हो जाता है। साइड में रखा ना फाइबर लगा होता है। अच्छा ये वाला, अच्छा फाइबर शीट होती है पूरे बैग में, रबर शीट होती है, मटेरियल हो गया तीन चार लेयरिंग। और ये वाला जो रिफ्लेक्टर है ऐसी है? हां ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है फ्रंट पे और ये ऊपर के रिफ्लेक्टर। इसका प्राइस क्या है भैया? 2800 महंगा कर दिएगा। वो बेल्ट की क्वालिटी चेंज कर दी, वेलक्रो की क्वालिटी चेंज कर दी है, पहले हल्की बेल्ट आ रही थी अब हैवी कर दी है, मटेरियल भी हैवी कर दिया। एंड भाई अगर आपको इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए ना, जैसे कि 45 है एंड इससे थोड़ा सा छोटा ना ये आ जाता है भाई 35 में, मतलब ये भी छोटे में मतलब बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट लगेगा। छोटा छोटा भी साइज अगर चाहिए होता है आपको तो उसकी भी क्वालिटी दोनों की सेम है भैया? दोनों की सेम, क्वालिटी सेम है दोनों की, बस साइज का फर्क पड़ जाता है। सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है। लेकिन कैरी करके तो वाला छोटा पड़ जाए मेरे साथ। हाँ वो तो पड़ेगा, खोल ले तो ये भी उतना भी नहीं, लेकिन ठीक है। साइलेंसर ऊंचे होते हैं उनके लिए ये ज्यादा चलता है। अच्छा अच्छा, इंटरसेप्टर वगैरह हो गए उनके ऊपर साइलेंसर होता है, एडवेंचर बाइक होती है, हिमालयन भी हो गए, हिमालयन पे अपना ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है। मतलब ये दो अगर ये दोनों ले लेते हैं तो पूरा टूर का पूरा सेटअप प्रॉपर हो जाता है पूरा पूरा। अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो एक सेट ये ले लो, एक टेल बैग ले लो, सारा सामान सारा का उसके आगे। टेल बैग भी दिखला दो ना, कैंपिंग कैंपिंग अगर आप करते हो तो वो भी आ घर जाके पूरा सेटअप करके दिखा दूंगा। टेल बैग का पता नहीं अभी लेता हूँ, अभी डिसाइड कर लूंगा, लेकिन जो लगने वाली है ना भाई ये चीज लगाने के बाद जो बाइक लगने वाली है ना पीछे से भाई पूरा फुल लोडेड लगने वाली है, मतलब पूरा सेटअप बन जाता है और लुक भी ना बहुत ही अच्छा आएगा, कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब मेरे सामने देखो कुछ अभी इस तरीके से लुक आ रहा है तो भाई बाइक पर लगने के बाद पता है ना क्या क्या सीन होता है। इतना बड़ा रिफ्लेक्टर वो दे रखा है और इसमें भैया स्पेस दिखा हुआ है अंदर का, अंदर पूरा इतना बड़ा ये पिलो आ रखा है इसमें। अच्छा सोचो कितना सामान है। ओ भाई तो अब टेल बैग के अंदर जो है ना भाई मतलब स्पेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिल रहा है, मतलब ये समझ लो एक कंबल डाल के तुम निकल लो, दो कंबल डाल लो, स्पेस भाई बहुत ही ज़्यादा है इसके अंदर। और ऊपर भी हो जाता है ना भैया? अच्छा एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ जिप लगा के आप उसको साइड में टाई कर सकते हैं, बकल है। अच्छा अच्छा, ये टाइट हो जाएगा, ये एक्सपेंडेबल है इतना। और इतना आपको यूज में नहीं है तो इसे रोल करके ये इसकी एक्चुअल शेप है सिलेंडर। और इसके बाद ऊपर चाहिए तो ये अच्छा इसके ऊपर और लग जाता है या फिर साइड में माउंट हो जाएगा, या साइड में माउंट कर सकते हो या फिर ऊपर माउंट हो जाएगा। अच्छा इसमें 5 लीटर की जारी कैन आ जाती है प्लस 2 लीटर की एक बोतल अलग से। इसका स्पेस दिखा दो अंदर से। टोटल 7 लीटर है इसकी कैपेसिटी है एक्चुअल। ऊपर टूल बॉक्स वगैरह रखते हो ये टूल बॉक्स के लिए ऊपर अलग से 3 लीटर हो रहा है, टोटल कैपेसिटी 10 लीटर है इसकी। इसके साथ भी रेन कवर आ रेन कवर सबके साथ आएगा? सबके साथ आएगा, सबके साथ रेन कवर मिल जाएगा।
एंड इसके बाद भी ना और कुछ भी आपका अगर आपको लगता है कि ये भी थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो भाई इसके बाद ना 10 लीटर का ना आप ये भी ले सकते हो। भैया एक बार दिखा दो ना, तो 10 लीटर का ना ये भी ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपको लगता है भाई इसके बाद भी अगर आपको कम पड़ेगा तो। इसको ना आप कुछ इस तरीके से माउंट कर सकते हो, इसको ऊपर कर सकते हो या फिर साइड में कर सकते हो। और इसमें भी ये लॉक ये दिया है ना, लॉक सिस्टम है या आप बेसिकली क्रैश गार्ड पे, क्रैश गार्ड पे लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, टैंक के पास क्रैश गार्ड होता है हिमालय में, देखो वहाँ पे लगा के आप इसमें 5 लीटर की कैन आराम से रख सकते हो। अच्छा अच्छा, और तो यो यूज में भी लेना है, सिंगल साइड सैडल बैग बनाना है तो ये जोड़ी कपड़े डाल के आप इसको ले सकते हो। सारी चीज तो ठीक है भैया। अच्छा ये भी दिखा दो, ये टैंक बैग ऑल इन वन टैंक बैग है हमारा, मैग्नेटिक भी है और फाइबर बॉडी। एक बार वो चिपका के दिखा दो, दरवाजा कहाँ गया आपका? नितेश भाई देखो क्या क्या बोल ले, जो ये तो देख लो। एक मिनट, तो ये है भाई बाइक के ऊपर का कुछ टैंक पैक कुछ इस तरीके से दिखता है। पांच पैक है, तो ऐसे वर्टिकल है तो इसलिए। अच्छा अच्छा, इसलिए हो रहा है, नहीं तो मैंने देखा है कि ये ना निकलता नहीं है, खिसता भी नहीं है। अच्छा तो मैग्नेट भी हैवी वाला है ना इसमें? हाँ, सबसे हैवी मैग्नेट चलता है इसमें भी। अगर मैग्नेट लगता है टंकी पे तो स्क्रैचेस का तो कुछ नहीं होता? स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते, फिर भी आपको लग रहा है तो आप उसको लैमिनेट करा के रख लो तो ज़्यादा बेस्ट। अच्छा अच्छा, उससे मतलब टंकी सेफ रहता है। फाइबर बॉडी बाइक पे भी लग जाएगा, बेल्ट से प्लस बैकपैक भी बन जाएगा। अच्छा ये बैकपैक भी बन जाता है भाई? ये टैंक बैग का कुछ इस तरीके से, अगर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना तो चैन खोल दो, चैन खोल के ना थोड़ा सा स्पेंड और हो जाएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो जाएगा भाई ये देखो। और इसको भाई बैग यूज़ में भी कर सकते हो, अगर टैंक पे से काम हो गया कहीं लटका के लेके जाना हो तो भाई बैग बना लो इसको, मतलब टैंक बैग भाई मस्त है, मतलब बेस्ट है। कम्युनिकेशन सही जम रही है इन तीनों की, है ना? मैं बजरा उसकी भाई लद्दाख हो जाएगा वो सब तो ठीक है भैया। अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, इनका प्राइस बता दो। प्राइस 1800 रुपये का टैंक बैग है, और टैंक बैग अच्छा मैग्नेटिक भी है और फाइबर बॉडी बाइक पे भी लगेगा। ठीक, 1800 रुपये का टेल बैग है, ठीक 45 लीटर में, और 2800 रुपये का सैडल बैग है, 45 लीटर। उसका ये 2500 का ये पड़ेगा आपको 70 लीटर में, ये 2500 का 35 प्लस 35। और इसका भैया चैरी कैन बैग ये पड़ेगा आपका 1300 रुपये सिंगल पीस। और ये जो बैग बनाते भैया आप ही बनाते हैं यहाँ से? मैं खुद ही बनाता हूँ। अच्छा ये आपका पापा है? अच्छा तो भाई यहाँ पे देखोगे ना इसी शॉप पे बनता भी है, मतलब यहाँ पे देखोगे ना ये बैग जो है ना भाई खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। और मेरे सामने ही भैया ना कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं और बैग वैग की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यहाँ भी ना बनाने के लिए बहुत सारे सामान रखे हुए, मशीनें रखी हुई, तो वो खुद का ही ना, मतलब ये समझ लो कि फैक्ट्री की तरह ना यहाँ पे बनता है। और भाई बिल्कुल ही चीप रेट में आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पे आते हो अगर। एंड अगर आप भाई कभी लॉन्ग राइड पे जाते हो ना और आपको लगता है कि आपका जो बॉम है ना दर्द करता है, तो भाई भैया के पास कुछ इस तरीके से सीट का ये आ जाता है, इसके ऊपर ये कवर है, इसके अंदर जो देखोगे ना जाली है कुछ इस तरीके से ऐसे निकल जाता है। इससे भी मोटा आता भी है फिर ये सही है? अभी फिलहाल यही आ रहा है, इससे हैवी आता है लेकिन फिलहाल। अच्छा फिलहाल तो भैया के पास अभी यही है, और इससे अगर हैवी चाहिए ना तो इससे हैवी भी आपको दिखने को मिल जाएगा, भैया के पास मिल जाएगा। और इसका प्राइस क्या है भैया? 800। और इससे जो हैवी होगा उसका समथिंग 1100। अच्छा 1100 रुपये, मतलब 300 रुपये का फर्क है। अगर थोड़ा लाइट ये लेते हो तो भाई 800, इससे थोड़ा सा वो लेते हो ना हैवी तो वो पड़ जाता है 1100। अच्छा ये वाला जेल है, बस इसका कवर नहीं है? कवर अभी रेडी हो रहा है इसका, चलो मिल जाएगा, मतलब कवर भी इसका मिल, मतलब ये भी मिल जाएगा भाई 1100 का, मतलब ये भी ठीक है चलिए ना। और इसके साथ ना ये कुछ इस तरीके से कवर है बाइक पे फिट करने के लिए, यूनिवर्सल फिटिंग है, किसी भी बाइक पे फिट हो जाता है। अच्छा बेल्ट के थ्रू बाइक के सीट पे फिट कर सकते हैं इसको।
मतलब भाई लॉन्ग राइड करते हो ना तो कुछ इस तरीके से लेते हो तो भाई बहुत ही कंफर्टेबल फील होने वाला है, बहुत ही राहत मिलती है। क्योंकि पता है जो लॉन्ग राइड करते हैं उसकी भाई जो बॉम्ब है ना, बॉम्ब का बॉम्ब फट जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हो। अगर भी ये इनके चैन वैन में दिक्कत आती है तो कभी भी 6 महीने कोई भी 6 महीने में कुछ भी दिक्कत आएगी तो फिर सिलाई चैन कुछ भी दिक्कत आएगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तब भी करके देंगे। डिस्काउंट मत मांगना, सर्विस मांगना वो दे देंगे, डिस्काउंट नहीं। अच्छा चलो, तो भैया यहाँ पे आने के बाद भाई हमने कर लिया ये वाला फाइनल। वैसे तो भाई आने से पहले ये दोनों ये वाला फाइनल कर लिया था तो ये लेके जा रहे हैं। एंड डिस्काउंट तो भैया दे नहीं रहे लेकिन सर्विस जो है ना फ्री कर दी है भैया ने। चलो कोई नहीं। एंड वैसे भी भाई बैग में कुछ ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है और मतलब ये सब भी चेक करोगे ना बहुत ही हैवी क्वालिटी में बना रखा है कि इतनी जल्दी ना ख़राब होएगा ही नहीं ये समझ लो। बटन फिनिश अच्छा रहेगा। चलो ये तो फाइबर में ही है ना। हाँ। मेरे वाले भी तो फाइबर है ना। टूटता नहीं इतनी जल्दी, फिर भी अगर टूट जाए तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा बॉडी को। मेटल वाला होता है ना वो नुकसान पहुंचाता है। इसका क्या प्राइस है भैया? 1900 दो पीस। ये भी आप भी बनाते हो भैया? नहीं, ये तो चाइनीज ब्रांड है, स्पोर्ट को है। अच्छा, लॉक कैसे होता है? लॉक ये है ना, ये स्पाइडर। अच्छा, ये चिपकाने वाला सिस्टम नहीं है, पक्का नहीं है। ये सही है, वरना चिपकाने वो थोड़ा टाइम दे खराब होता है। मेरे पास चिपकाने वाला सही रहता है, मानना पड़ता है। जितना चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर लो। चाहिए इलास्टिक है वैसे, एडजस्ट करके आप लगा सकते हो, प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। चलो ये वाला दे दो भैया 45। वैसे तो अभी फिलहाल ये चेक करो भाई, पीछे से ना कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। और ये बाइक जो है ना भाई अभी राइडर है, राइडर पे लगा हुआ है। देख रहे हो क्या लोडेड लग रहा है ना, क्या मस्त लग रहा है। ओह पूरा ब्लैक हो गया ये बाइक, पूरा खतरनाक बाइक लग रहा है इस टाइम पे, मस्त लग रहा है भाई। और टैंक बैग भी देखोगे ना मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और भाई लुक जो आ रहा है ना क्या ज़बरदस्त। फिलहाल तो भाई मैंने अभी लिया है ये, और इसमें भाई जो रिफ्लेक्टर दिया रखा ना इधर और पीछे, बहुत ही गजब की चीज़ है। और ये चेक करो भाई क्या पीछे से कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अगर भाई मैं ये भी ले लूँ ना तो क्या भाई मस्त आएगा यार लुक। और इस साइड से कुछ दिखाते हैं भाई लुक बाइक का, ये देखो क्या मस्त लग रही है ना यार ये। कुछ इस तरीके से देखने बाद मेरा जो मन कर रहा है ना, ये तो फिलहाल भाई हमने ले ही लिया, इसका पे भी कर दिया। और मेरा ऐसा मन कर रहा है ना भाई कि मैं टेल भी ले ही लूँ, क्योंकि भाई टेल लगने के बाद बाइक कुछ इस तरीके से लोडेड दिखेगा भाई साहब। अब राइडर में तो भाई क्या ही तवाई बाइक लग रही है, पता नहीं अपनी स्प्लेंडर पे कैसे लगेगी। लेकिन ब्लैक जो है ना भाई पूरा कम्युनिकेशन मैच करेगा। और टैंक बैग तो नहीं ले रहे फिलहाल, मन कर रहा भाई कि टेल ले लूँ, लूँ या ना लूँ अभी सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई बजट भी देखना पड़ता है ना अपना। बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद भाई ना कुछ इस तरीके से लुक देखा ना तो भाई मेरे से ना रहा नहीं गया, तो फाइनली ये भी हमने ना भाई फाइनली कर ही लिया, ये भी ले लिया। फिलहाल अब अपने स्प्लेंडर में ना ये तीनों दिखेंगे, और किस तरीके से लुक आता है वो तो भाई घर जाके दिखलाऊंगा आपको।